और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे अपने कार्यकाल का कार्यभार संभाला बतौर प्रधानमंत्री। ये देखिए आप, महात्मा गांधी को फूल अर्पित करते हुए, सरदार पटेल को फूल अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कार्यभार संभाला और आज ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक, प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बताना जरूरी है कि पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में बड़ा बदलाव किया गया है। यह पहला फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल का, शहीदों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला किया गया है। मोदी सरकार का यह पहला बड़ा फैसला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई है, उसमें शहीदों की बेटियों को अब 3,000 रुपए महीना और बेटों को 2,500 रुपए महीना दिया जाएगा। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। रविंद्र, मोदी मंत्रिमंडल का पहला बड़ा फैसला? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा फैसला। आप देखिए कि पूरे प्रचार के दौरान या पूरे देश में अगर राष्ट्रवाद की भावना झलक रही थी तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उसको हकीकत में करके दिखाया और सबसे बड़ा फैसला लिया, पहला फैसला लिया पीएम स्कॉलरशिप स्कीम अंडर नेशनल डिफेंस फंड। इसमें बच्चों के लिए 25% बढ़ा है और बच्चियों के लिए लगभग 33%। और आपको बता दूं कि 1962 में इसका गठन किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक कमेटी को चेयर करते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें डिफेंस, होम मिनिस्ट्री और फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके सदस्य होते हैं और हर साल लगभग 5500 बच्चों जो डिफेंस से रिलेटेड होते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। 2000 पैरामिलिट्री के फोर्सेज के बच्चों को और 150 आरपीएफ के बच्चे को जो रेलवे से संबंधित होते हैं। तो एक बड़ा फैसला है, कम से कम जो देश को सुरक्षा दे रहा है उनका परिवार सुरक्षित रहे उनके जाने के बाद भी, ये कहीं कहीं दर्शाता है प्रधानमंत्री के। और ये हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक। और आप ये कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक का पहला फैसला हमारे जवानों को समर्पित, जिसमें आतंकवादी और माओवादी हमले में शहीद सुरक्षा बलों के बच्चों को जो पीएम स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो पैसा दिया जाता है उसको बढ़ाया गया। हाँ रविंद्र, आप कुछ कह रहे हैं? मेरे मन, ये कैबिनेट का फैसला नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने जैसे ही अपना चार्ज लिया है पीएम पोस्ट का फिर से दोबारा, उसके बाद जो उनके टेबल पर पहला फाइल साइन हुआ है उनके द्वारा, वो फैसला है। कैबिनेट की बैठक अलग से चल रही है, उसके पहले ये फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये फैसला अपने आप में इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है अमन, क्योंकि इसमें स्टेट पुलिस जो नक्सलवाद में मारे जाते हैं, आतंकवाद में मारे जाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर ऑपरेशन हो रहा है उसमें केवल पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान ही मारे जा रहे हैं, कहीं आतंकवादी घटना हो रही है कश्मीर में तो केवल वहां पर मिलिट्री के जवान ही मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, बल्कि वहां पर स्टेट पुलिस के जवान भी शहीद होते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा कोई मामला नहीं था, तो ऐसा फैसला नहीं हुआ था कि स्टेट पुलिस पर्सनल के परिवार को भी इसमें शामिल किया जाए, पहली बार आज जो फैसला हुआ है सरकार। और ये जो प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट आई है रविंद्र, उसमें भी इस चीज का जिक्र है कि आर गवर्नमेंट्स फर्स्ट डिसीजन डेडिकेटेड टू दोज हु प्रोटेक्ट इंडिया, मतलब जो देश की सुरक्षा करते हैं, सरकार का पहला फैसला।